भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक नेता पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद 6 मई 1861 को आगरा में हुआ था। बड़े भाई नंदलाल ने जो आगरा में वकालत करते थे इनकी देखभाल की। 12 वर्ष की उम्र तक इन्होंने घर पर ही अरबी और फारसी का अध्ययन किया, फिर कानपुर और इलाहाबाद में शिक्षा पाई। हाईकोर्ट वकील परीक्षा पास करने के बाद मोतीलाल जी ने कानपुर में वकालत आरम्भ की और इलाहाबाद चले गए। वहाँ थोड़े दिनों में ही उनकी गणना उच्च कोटि के और संपन्न वकीलों में होने लगी। उन्होंने पश्चिमी रहन सहन को अपनाया। उत्तर प्रदेश में आने वाली पहली मोटर कार उन्हीं के पास थी। प्रसव काल में उनकी पत्नी का देहांत हो जाने के कारण 22 वर्ष की उम्र में मोतीलाल जी ने स्वरूप रानी से विवाह किया। इन्हीं के पुत्र जवाहरलाल नेहरू और पुत्री विजयलक्ष्मी पंडित और कृष्णा हटी सिंह थी। वकालत में प्रतिष्ठा और संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ मोतीलाल नेहरू सार्वजनिक कार्यों में भी रुचि लेने लगे। कांग्रेस के 1888, 1892 और 1905 के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया। बंग बंग के बाद वे और अधिक सक्रिय हुए। 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की और 1908 में उनको संयुक्त प्रांत की काउंसिल का सदस्य चुना गया। वहां उन्हें अपनी विधायी प्रतिभा का परिचय देने का अवसर मिला। कांग्रेस से संबंध रखते हुए भी मोतीलाल जी नेहरू की अंग्रेजी अधिकारियों से मैत्री थी। 1911 में दिल्ली दरबार में, जिसमें ब्रिटेन के पंचम जॉर्ज आए थे, मोतीलाल जी भी आमंत्रित थे। इस अवसर पर पहनने के लिए कपड़े, हैट आदि लंदन के मशहूर दर्जी से तैयार करवाए गए थे। जवाहरलाल नेहरू तब लंदन में ही थे और उन्हीं ने ये चीजें भिजवाई थी। लेकिन देश में राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहा था, उसका प्रभाव मोतीलाल नेहरू पर भी पड़ा। लंदन से शिक्षा प्राप्त करके वे भारत आने पर जवाहरलाल की वकालत से अधिक राजनीतिक में रुचि लेने लगे। इसी बीच एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया और पिता और पुत्र दोनों इसके सदस्य बन गए। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की सहायता की थी, परंतु युद्ध की समाप्ति पर भारत को अधिकार देने के बदले उनकी भावनाओं के दमन करने के लिए रोलेट एक्ट जैसा काला कानून लागू किया। जब देशवासियों ने शांति के साथ इसका विरोध किया तो उनका दमन किया गया। इसका सबसे जघन्य रूप जलियांवाला बाग हत्याकांड और अमृतसर की घटनाएं थी। मोतीलाल जी नेहरू, जो अब कांग्रेस के नरम दल के विचारों के नेता थे, पूरी तरह बदल गए और अंग्रेजों की नेक नियत पर उनका कोई विश्वास नहीं रहा। गांधी जी के आंदोलन का रास्ता और उनका रास्ता दोनों एक हो गया। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल जी ने की। 1920 की कोलकाता कांग्रेस में वे अकेले प्रमुख नेता थे जिन्होंने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब उनकी जिंदगी रातों रात बदल गई। उन्होंने वकालत छोड़ दी, घोड़े गाड़ियां बेच दी, शराब एकदम हट गई, ठेलों में भर भर कर विदेशी कपड़ों की होली जली और खादी की धोती कुर्तों में उनका नया रूप निखर आया। आनंद भवन कांग्रेसी स्वयं सेवकों का विश्राम स्थल बन गया। शाही रहन सहन वाले व्यक्ति ने स्वेच्छा से देश के लिए फकीरी धारण कर ली। 1921 में मोतीलाल जी नेहरू भारतीय कांग्रेस के सचिव थे। ब्रिटेन के राजकुमार की भारत यात्रा का बहिष्कार करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने की सजा हुई। चोरा चोरी कांड की घटना के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित किए जाने पर विदाई संस्थाओं के अंदर संघर्ष जारी रखने के उद्देश्य से स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी की ओर से निर्वाचित होकर मोतीलाल नेहरू केंद्रीय असेंबली में अपने दल के नेता बने और अपने पैने तर्कों से अंग्रेजी अधिकारियों को परेशानी में डालते रहे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत की ओर से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया। 1928 की कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। जब सरकार के इस मसौदे को स्वीकार नहीं किया गया तो 1929 की लाहौर कांग्रेस में भारत ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और इसी कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1930 में जब गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च कर रहे थे, तब मोतीलाल जी इनसे मिलकर इलाहाबाद में अपना शानदार भवन आनंद भवन को राष्ट्र को दान दे दिया। इस नमक सत्याग्रह में मोतीलाल जी के साथ जवाहरलाल नेहरू, स्वरूप रानी, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, कृष्णा और मोतीलाल जी के दामाद रंजीत सीताराम भी थे। सभी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय के बाद मोतीलाल जी की अस्वस्थ होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। एक्सरे की सुविधा इलाहाबाद में न होने के कारण उन्हें लखनऊ लाया गया और वही 6 फरवरी 1931 को उनका देहांत हो गया।